पार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और रामप्यारी के सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर रामप्यारी के होश उड़ गए। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। रामप्यारी के मुंह से घबराहट में निकल गया, राघवराव तुम? राघव राव का नाम सुनकर उन तीनों के भी होश उड़ गए। सिद्धार्थ और गौरी के मुंह से भी एक साथ निकला, राघव राव। तब राघव राव ने कहा, हाँ मैं। आज कई वर्षों बाद किसी ने मुझे न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, और इस कदम को मैं विफल होते हुए नहीं देख सका, और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। आज मुझे सही मायनों में न्याय मिला है। वो देखिए, जॉन विलियम्स की सिर्फ मूर्ति ही नहीं टूटी, उसकी छवि भी टूट चुकी है। उसके मरने के बाद उसको नर्क तो जरूर मिली होगी, लेकिन आज 150 साल बाद उसे इस पृथ्वी पर भी दंड प्राप्त हुआ। चारों ने उस तरफ जॉन विलियम्स की टूटी हुई मूर्ति की तरफ देखा, और जब फिर से राघव राव की तरफ देखने गया, तब तक राघव राव वहां से अदृश्य हो चुका था। मंत्री शरद सिंह और डेविड विलियम्स को बचाने के लिए वहां पर पुलिस आ चुकी थी और हवा में फायरिंग करके भीड़ को वहां से हटाया, और फिर मंत्री शरद सिंह और डेविड विलियम्स को किसी भी तरह भीड़ से बचाकर गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। वहां पर चारों तरफ भीड़ ने नारे लगाने शुरू किए, शरद सिंह हाय हाय, जॉन विलियम्स हाय हाय, राघव राव की जय हो, राघव राव की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, राघव तेरा नाम रहेगा, निर्दोषों को न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचारियों को दंड मिलेगा। ये नारे सुनकर सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और रामप्यारी को अत्यंत आनंद हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, बस अपना काम खत्म हो गया, अब हमें यहां से चलना चाहिए। बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है, अब हमारा यहां पर कोई काम नहीं, हमें चलना चाहिए। सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी और बूढ़े बाबा वहां से निकल गए और रामप्यारी के आवास पर पहुंच गए। शिमला से हजारों मील दूर यूरोप के नोसोस द्वीप में छाया गुप्त पुस्तकालय ढूंढने लगी। उसने वहां के पुराने खंडर हो चुके एक पुराने राजमहल की ओर आगे बढ़ी। वहां पर जाने के बाद उसे पता चला कि वहां की पुलिस उस जगह की पहरेदारी कर रहे थे, क्योंकि वो जगह ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक था। लेकिन सिर्फ छाया को पता था कि उस महल के नीचे एक गुप्त पुस्तकालय भी है, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें थी, जिसमें अनगिनत विषयों पर पुस्तकें पड़ी हुई थी। लेकिन वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस खंडर हो चुके महल के अंदर एक दीवार थी जिसमें एक चित्र बना हुआ था। उस चित्र पर उंगली रखकर एक विशिष्ट प्रकार से घुमाने पर वो रास्ता खुलता था। यह रहस्य छाया ने उस किताब में पढ़ रखा था, लेकिन प्रश्न सिर्फ एक ही था कि इतने पहरे में उस महल के अंदर जाया जाए तो भी किस तरह। छाया वशीकरण में माहिर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर कई सारे लोग थे और सभी पर एक साथ वशीकरण उपयोग करना ठीक नहीं था, क्योंकि इतने लोगों पर वशीकरण करने पर यह खबर बाहर तक पहुंचने की आशंका थी, और छाया किसी भी प्रकार का अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे अंदर जाने के लिए कोई दूसरा उपाय करना ही था। छाया ने एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर कुछ देर सोचा, और उसके बाद उसके मन में एक उपाय आया। उसने तुरंत ही अपनी मुट्ठी बंद की और उसमें एक मंत्र फूका। मंत्र फूकने के बाद उसने मुट्ठी खोली और अपने मुंह से हल्के से फूक मारी। उसकी फूक मारते ही तुरंत ही उस जगह पर जोर से हवा चलने लगी। कुछ ही देर में वहां पर धूल का बवंडर प्रकट हो गया, और जहां पर पहरेदार खड़े थे उनकी तरफ बवंडर आगे बढ़ने लगा। उसी बवंडर से बचने के लिए सभी पहरेदार वहां से भाग खड़े हुए। छाया ने बड़ी आसानी से उस बवंडर के अंदर प्रवेश किया, और जैसे जैसे बवंडर उस महल के अंदर की ओर जाने लगा, उसके साथ वो भी महल के अंदर चली गई। उसके महल के अंदर जाते ही बवंडर शांत हो गया और हवाएं चलनी बंद हो गई। छाया खंडर के अंदर चली गई और तुरंत ही वो जगह ढूंढने लगी जिसका वर्णन उस किताब में उसने पढ़ा था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसने उसे वो चित्र एक दीवार पर दिखा। छाया उस दीवार की तरफ गई और उस चित्र को ध्यान से देखा, और उस चित्र पर बने एक पक्षी की आंख के ऊपर उसने उंगली रखी और एक विशिष्ट प्रकार से अपनी उंगली घुमाई। उसके ये करते ही
तुरंत ही उसके पैरों के पास वाली जमीन पर एक पत्थर खिसक गया और उसके अंदर एक छोटी सी नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। छाया तुरंत ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई। उसके नीचे जाते ही ऊपर का पत्थर फिर से खिसक कर बंद हो गया। छाया सीढ़ियां उतरकर नीचे एक तहखाने तक पहुंची। वहां पर घना अंधेरा था। छाया ने अपनी काली विद्या से वहां पर रोशनी प्रकट की। उस जगह में जैसे ही रोशनी हुई, उसके सामने एक बड़ा पुस्तकालय दिखाई दिया। वहां पर हजारों किताबों का ढेर लगा पड़ा था। छाया को जैसे खजाना ही मिल गया हो, वो खुशी से झूम उठी और तुरंत ही भागकर उन किताबों के बीच में चली गई। छाया ने तुरंत ही वहां पर जादुई विद्या, एल्केमी, तंत्र, काला जादू वगैरह की किताबें ढूंढने लगी। वहां पर पड़ी सारी किताबें प्राचीन यूनानी भाषा में लिखी गई थी। उस पुस्तकालय में प्राचीन यूनानी भाषा के साथ साथ लैटिन, हिब्रू, अमेरनियन, इटालियन, उल्टी की इत्यादि भाषाओं में राजनीति, चिकित्सा पद्धति, व्याकरण, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, शस्त्र ज्ञान, दर्शन शास्त्र, पाक शास्त्र, नृत्य शास्त्र, स्थापत्य कला शास्त्र, पौराणिक कथाएं इत्यादि विषयों पर किताबें भी थी। छाया को आश्चर्य हुआ कि वहां पर इन सब प्राचीन यूरोपियन भाषाओं के साथ साथ संस्कृत और प्राकृत में भी कुछ किताबें थी, लेकिन अधिकांश किताबें छाया के किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो किताबें उसके विषय की थी ही नहीं। छाया को रुचि सिर्फ जादुई विद्या, एल्केमी, तंत्र, काला जादू के विषयों में थी, लेकिन भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी किताब कहां पर थी। तब छाया ने कृत्या का आह्वान किया। कृत्या वहां पर प्रकट हुई। उसने कृत्या को मुस्तफा को चोरी छुपे यहां पर लाने का आदेश दिया। कृत्या ने उस द्वीप पर एक पुराने खंडर हो चुके घर के अंदर छिपे हुए मुस्तफा को उठाया और अदृश्य होकर वहां पर पुस्तकालय में छाया के पास ले जाकर उसे रखा। छाया ने मुस्तफा को कहा, तुम्हें सैकड़ों भाषाएं आती है, ये तुमने ही मुझे बताया था ना, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुस्तफा ने कहा, अगर तुम ये चाहती हो कि इन सारी किताबों को पढ़कर तुम्हें सुनाओ तो ये नामुमकिन है। मुझे वहीं पर छोड़कर तुम यहां पर आई थी, अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें मेरी याद आई है, तुम कितनी खुदगर्ज हो। छाया को यह एहसास हुआ कि यदि मुस्तफा से काम निकालना है तो उसकी नाराजगी दूर करनी होगी, इसलिए उसने अपना पैतरा बदला और दूसरी चाल चली। वो मुस्तफा के पास आई और मुस्तफा के गले में अपनी बाहों का हाथ डाला और उसे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? मुस्तफा ने कहा, मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे यकीन है। छाया ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जल्द से जल्द इस पूरी दुनिया पर राज करें? पर मैं तो यही चाहती हूं कि इस दुनिया पर नहीं, इस पूरी कायनात पर हमारा राज हो, और इसके लिए मेहनत तो करनी होगी ना। अगर मैं मल्लिकाए कायनात बनी तो तुम भी तो सुल्ताने कायनात ही बनोगे ना। मुस्तफा ने कहा, तुम्हारा शौहर होने के नाते अगर तुम मल्लिका बनोगी तो मैं तो सुल्तान बनूंगा ही, लेकिन तुम मुझसे गुलामों की तरह पेश आती हो, जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं गुलाम हूं। छाया ने कहा, तुम्हें मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर छाया ने मुस्तफा के होंठों को चूम लिया। मुस्तफा उस चुंबन से थोड़ा सा बहक गया। उसने भी छाया को चूम लिया। छाया ने उसके सारे कपड़े खोल दिए और उसके गले को जोर से काटा, जिससे उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। मुस्तफा ने भी छाया को चूमते हुए उसके बाल खोल दिए और उसके गले को चूमने लगा और फिर उसकी छाती को चूमने लगा और धीरे धीरे उसके जिस्म के सारे अंगों को सहलाने लगा, मानो बरसों से ऐसे तृप्त होने का इंतजार कर रहा हो। छाया ने अपने सर पर हाथ मारा और मन में सोचा, इसे उंगली दिया तो इसने हाथ ही पकड़ लिया, इसका बस चले तो इसी वक्त यहां पर संभोग करने लग जाए। इसे रोककर नाराज भी नहीं कर सकती और इससे संभोग भी नहीं करने दे सकती। क्या अजीब परिस्थिति है। यह सोचकर उसने मुस्तफा को खींचकर अपने से दूर करते हुए कहा, मुस्तफा, हमारे पास वक्त नहीं है, यहां पर किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है, और अगर किसी ने हमें यहां पर देख लिया तो बेवजह हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुस्तफा ने कहा, तुम्हारे लिए कौन सी मुसीबत बड़ी है? तुम उन्हें अपनी बेशुमार ताकत से दूर कर देना। छाया ने कहा, हर बार ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि एक बार यहाँ पर सारी किताबें अपने साथ लेकर बाहर निकलेंगे तो तुम्हें वो सुख दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ये सुनकर मुस्तफा राजी हुआ। मुस्तफा को सैकड़ों भाषाओं का ज्ञान था।
इसलिए उसने उन हजारों किताबों की ढेर में से काला जादू, एल्केमी, तंत्र और काली विद्या की किताबें चुन चुन के निकाली और छाया के सामने रख दी। जब इन सारे विषयों पर करीब 30 से 40 किताब उसे मिल गई, तब छाया ने कहा, अब इन सारी किताबों को यहां से बाहर लेकर जाना होगा, लेकिन बाहर पुलिस का पहरा है, इसे किसी भी तरह उनकी नजरों से बचाकर बाहर लेकर जाना होगा। ये कहकर छाया ने फिर से कृत्या का आह्वान किया और उसे उन दोनों को सबकी नजरों से छुपाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का आदेश दिया। कृत्या ने छाया और मुस्तफा को उन किताबों के साथ अपनी शक्ति द्वारा वहां से निकालकर सबकी दृष्टि से बचाते हुए नोसोस द्वीप के एक पुराने खंडर हो चुके घर में लाकर रख दिया। कृत्या ने कहा, स्वामिनी, आज के लिए स्थान आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन अधिक समय के लिए स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्थान तो क्या द्वीप से ही प्रस्थान कीजिए। कृत्या की बात से छाया सहमत थी। छाया ने कहा, आज रात को ही यहां से एथेंस के लिए रवाना होना पड़ेगा। उस खंडर में छाया ने मुस्तफा से उन सारी किताबों का ज्ञान उसे देने के लिए कहा। मुस्तफा ने छाया को आलिंगन और चूमते हुए कहा, तुमने इतना ताकत हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास एक ताकत नहीं है, किसी भी जुबान को सुनते ही उसे समझ जाना, किसी भी जुबान को लिखा हुआ देखकर उसे पढ़ना आना। ये मुख्तलिफ किस्म का इल्म है जो तुम्हें भी सीखना होगा। छाया ने कहा, मुझे भी इस ज्ञान को सिखाओ, मैं ये ज्ञान सीखने को तैयार हूँ। मुस्तफा ने कहा, इसके लिए तुम्हें इबलिस की इबादत करनी होगी और फिर मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। मुस्तफा अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए छाया को निवस्त्र करता रहा और उसके निजी अंगों को अपने भीतर अंतरित करने लगा। छाया ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे दुनिया की सारी भाषाओं को समझने का ज्ञान प्रदान करो। ऐसा बोलते ही छाया मुस्तफा के और करीब जाकर उसके बाहों में बाहें डालकर उसके शरीर की आग को भड़काने लगी और उसे पूरी तरह निवस्त्र कर दिया और उसके अंगों को सहलाते हुए उसे उत्तेजित करने लगी और अपने आप को भी पूरी तरह न्योछावर कर दिया। मुस्तफा भी अपने आप को रोक नहीं पाया और दोनों एक दूसरे में समा गए। उनकी उत्तेजना भरी चीखें और कामुक सिसकियां पूरे वातावरण को मादक बना रही थी। मुस्तफा छाया से तृप्त होकर और अपने जिस्म की गर्मी को मिटाकर उसके बहकावे में आ गया था और मूर्ख बनकर छाया को वो ज्ञान सिखाने लगा। उस तरफ शिमला में जैसे क्रांति मच गई हो। उधर जनता ने उनके पास पड़ी हुई पर्चियों की फोटोकॉपी निकालकर घर घर जाकर बांटने लगे और जॉन विलियम्स मुर्दाबाद, राघव राव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वहां पर न्यूज चैनल और मीडिया में भी ये खबर पूरे देश में फैलने लगी कि पुराने अवशेष प्राप्त होने के कारण सालों पुरानी धारणा टूट चुकी थी और आज तक जिसे नायक माना जा रहा था वो खलनायक निकला और जिसे खलनायक माना जा रहा था वही सही मायनों में नायक निकला। लोग जो आज तक उस हवेली के सामने से जाने से भी कतराते थे, वो लोग अब उस हवेली के बाहर जाकर फूल और फूलों के गुच्छे समर्पित करके आने लगे। सालों पहले खंडर हो चुका रायचंद निवास का मुख्य द्वार आज सैकड़ों गुलदस्तों और फूलों से सज गया था। इन तस्वीर को रामप्यारी के अड्डे में टीवी पर देखकर रामप्यारी, सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा काफी संतुष्ट और खुश हुए। रामप्यारी ने कहा, आज हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ और ये सब आप लोगों की सहायता के बिना नहीं होता। इसी खुशी में मैं शिमला के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में आप सबको मेरी तरफ से आपका मनपसंद खाना। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, खाना खाने के लिए तो हम हमेशा तैयार होते हैं। ये सुनकर गौरी ने अपने सर पर हाथ मारा और सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। ये कहकर बूढ़े बाबा वहां से कहीं चले गए। उस तरफ वीरानगढ़ में अनंग पिशाच रात की बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो रात पूर्णिमा की रात थी, उसके महापरिवर्तन की रात थी। आज की रात वो पिशाच जैसी हीन योनि से मुक्ति प्राप्त कर यक्ष जैसी प्रतिष्ठित योनि को प्राप्त करने वाला था। मोतीबाई तो उसके इस महापरिवर्तन की साक्षी बनने के लिए वहां पर आने को तैयार थी, लेकिन अनंग पिशाच का मन अभी भी बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी में लगा हुआ था। वो चाहता था कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वो तीनों भी हाजिर रहें, लेकिन उन तीनों की रात तक आने की कोई संभावना उसे नहीं लग रही थी, इसलिए वो मायूस था।
लेकिन इस मायूसी में भी उसे अपना कर्तव्य पूरी तरह याद था। उसे यह भली भांति पता था कि इस गांव की रक्षा करने में समर्थ जो भी व्यक्ति हैं, उन सब की अनुपस्थिति में शैतान अपनी शैतानी चाल जरूर खेलेगा और उस रात गांव वालों पर हमला करने के लिए कोई न कोई शैतानी शक्तियों को हवेली के माध्यम से गांव में जरूर भेजेगा। इसलिए गांव को सारी शैतानी शक्तियों से उनकी अनुपस्थिति में रक्षा करने के लिए तो कोई उपाय तो करना ही था। इसलिए अनंग पिशाच गहरे विचारों में खोया हुआ था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि सबकी अनुपस्थिति में गांव वालों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद अनंग पिशाच के मन में एक युक्ति सूझी और उसने तुरंत ही छलांग लगाई और हवेली की तरफ आगे बढ़ा। अनंग पिशाच सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई और उसके अनुपस्थिति में गांव और गांव वालों की शैतानी शक्तियों से रक्षा करने के लिए आखिर क्या करने वाला था? क्या उसकी योजना सफल होगी या शैतानी शक्तियां उसकी योजनाओं को विफल करके गांव वालों पर हमला कर देगी? ऐसा होने पर गांव की रक्षा कौन करेगा? क्या काम बाकी रह गया था जिसे बूढ़े बाबा ने सबसे जरूरी कहा था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।